आप देख रहे हैं वी एस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं बलजीत नगर में यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, जो कि बलजीत नगर ये प्रेम नगर गली नंबर 5 में है। आज यहाँ पर जो आप मेरे पीछे बिल्कुल आप जो भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ कोई बुलाई हुई नहीं है। मेरे बिल्कुल राइट साइड के अंदर में एक शिव मंदिर प्रेम नगर गली नंबर 5 के अंदर में पड़ता है, और यहाँ पर जो है शिवलिंग जो है पहले से जो वहाँ पर विराजित थे, आज वहाँ पर शिवलिंग के अंदर में शिव की प्रतिमा एक चित्र जो है वो उभर कर सामने आती है। यहाँ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। ये आप भीड़ देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। पूरी बलजीत नगर पटेल नगर की जनता जो है पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की, उस प्रतिमा को दिखाने की और उस चित्र को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों की जो आस्था है, वो यहाँ पर लोगों के साथ में बनी हुई है। लोगों का जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है वो लोगों की भीड़ जो है वो बनी हुई, आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है वो अभी हमें भी आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को वो शंकर की प्रतिमा और शंकर की जो के ऊपर में भगवान भोलेनाथ जी की जो प्रतिमा जो है वो उभर कर सामने आई है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो शिव की प्रतिमा है, हम आपको इसको अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसकी पूरी फोटो भी दिखाएंगे, और आप ये देख सकते हैं ये शिव जी की जो शिवलिंग है इसके ऊपर में भगवान भोलेनाथ जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर सामने उभर करके आ रही है। और ये आप देख सकते हैं आँख कान जटा और भगवान भोलेनाथ जो है वो यहाँ पर भीड़ जो है वो उत्पन्न है, और लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बलजीत नगर की जितनी भी जनता है, प्रेम नगर की, नेहरू नगर की जितने भी लोग हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इसी शिव मंदिर के पंडित जी से आप लोगों को मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। और पंडित जी सबसे पहले आपका स्वागत है। पंडित जी आप अपने यहाँ के मंदिर का नाम बताइए। श्री दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर के नाम से है, गली नंबर 5। पंडित जी जिस तरीके से आज यहाँ पर भीड़ जो बलजीत नगर की जनता जो है इस मंदिर में उपस्थित है, प्रेम नगर की जो मंदिर है आपका, इसके अंदर में जनता जो है किस कारण वजह से? ये सुबह 8 बजे एक औरतें पूजा करने आई थी। अच्छा, तो बोली पंडित जी आपके मंदिर में शंकर जी निकल रहे हैं, साक्षात दिखाई दे। माँ ठीक है, था इतने में लाइन लग गई। अच्छा, उसके बाद में जब धीरे धीरे पता लगा तो लाइन लग गई। तो मतलब जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धा लोगों की जो विश्वास बना हुआ है भोलेनाथ के प्रति, यहाँ पर जो भीड़ देखने को मिल रही है, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों को कहना चाहेंगे सभी को मनोकामना पूर्ण करें भगवान शंकर जी, ठीक है, सभी को सुख सुख शांति रखे परमात्मा, सभी परिवार को ये कहना चाहेंगे कि सबका भला हो। ये मेरा नाम है राजेंद्र वशिष्ठ। जैसा कि आपने पहले बताया कि जब इस मूर्ति की जो स्थापना हुई थी, तकरीबन कितने समय पहले हुई होगी? 7-8 वर्ष हो गए। किन्होंने करी थी ये मूर्ति का? मुनीश खुराना सेशन जज है। अच्छा, हरोड़ी में रहते, सेक्टर 6 में, उसका परिवार ने की थी। उनके परिवार ने करी थी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर जो अगर वो वीडियो को देखते हैं तो? उनका भगवान सदा पोस्ट बताता रहा है, हम तो आशीर्वाद देश का भगवान शंकर जी आशीर्वाद देंगे, उनको सदा सदा खुश रखे, ये कह रहे हैं। ये जिन्होंने जब इसकी स्थापना जब हुई थी, तो मतलब कहते हैं कि किसी न किसी का जो हाथ जो होता है वो शुभ होता है उनके परिवार के लिए और देश दुनिया के लिए, समाज के लिए। तो आज वही जब उनकी स्थापना जब उन्होंने करा, जब शिवलिंग की स्थापना करी, तो आज कहीं ना कहीं जो है वो उनका फल जो है आज देखने को मिल रहा है, जो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी ने आज उस शिवलिंग के ऊपर में अपनी परछाइयों को छोड़ करके, अपनी परछाइयों को दिखा करके लोगों को अपना आशीर्वाद देने की कोशिश करी है। क्या है राय आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर है जो दुर्गा मंदिर के नाम से जो यहाँ पे प्रेम नगर के अंदर में है,
आप ये देख सकते हैं। और लोग जो है यहाँ पर काफ़ी जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आई हैं। एक बारी इनसे भी जानने की इनसे एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, अब कैसा लग रहा है जब आप जो भोलेनाथ जी आपको साक्षात दिख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जो दुनिया करें ये सुधार करें, जो जो बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है उनका सुधार करें। बाबा हम पे सब पे कृपा बनाए रखें अपनी। जो बच्चों का अत्याचार बता रहे हो ये किस तरीके का बताइए आप? जैसे लड़कियों पे हो रहे हैं, न्यूज में देखा है, अभी श्रद्धा के बारे में भी दिखाया गया है, तो कितना उसके साथ गलत हुआ है। भगवान ऐसे किसी के साथ ना हो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जी बताइए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमको बहुत खुशी मिली कि यहाँ पे मतलब दर्शन हुए भोले बाबा का। आज तक कभी नहीं देखा था ना सुना था, लेकिन इस मंदिर में देख लिया आँख से। जय हो भोले बाबा की। ये लोग जो भगत थे, जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं अपने बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर की जो महिलाएं हैं, और लोग यहाँ पर जो है लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। एक बारी माता जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आज भोलेनाथ जी साक्षात? खुश है, बहुत खुश है। माता कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रहा है। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, खुशी है, खुशी है, बहुत अच्छा। ये आप लोगों ने दर्शन किया या नहीं किया अभी? दर्शन हो गया आप लोगों ने? हमारे साथ में रवि शंकर जी हैं। रवि जी, इन्होंने मेरे को कॉल करके बताया, और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। रवि शंकर जी क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए आज जो भगवान भोलेनाथ? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये गली नंबर 5 में दुर्गा मंदिर हमारे घर के जस्ट सामने, यहाँ पे हम जल चढ़ाने आते हैं प्रतिदिन, लेकिन ये प्रतिमा पहले कभी नहीं दिखी थी। आज सुबह से ये प्रतिमा दिखी है, शंकर जी यहाँ पे साक्षात दर्शन दिए हैं। और मैं भक्तों को ये कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके भगवान का दर्शन करें, और अपनी आस्था में, भक्ति में अपने विश्वास रखें। जय भोलेनाथ। ये भक्तों का और इस जो प्रतिमा जो आज शिवलिंग के ऊपर में जब उमड़ करके आई है, लोगों को साक्षात दर्शन हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लग रहा है कि जब आज साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर उमड़े हैं, इन भक्तों के बारे में, इस मंदिर के बारे में और यहाँ के श्रद्धालुओं के बारे में हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, बलजीत नगर से, प्रेम नगर से। जय हिंद, जय भारत।